बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक्सरसाइज 2.1 पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। सो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तरीका ये है, सॉरी ठीक है, क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। A is equal to 1, B is equal to K, C is equal to 9। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, B square minus 4AC। ठीक है, putting the value in formula, B का square, K square minus 4 ए की वैल्यू और सी की वैल्यू, ठीक है, के का स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे इससे 36 आता है। ठीक है, के का स्क्वायर इज इक्वल टू, इस तरफ हो जाएगा ये प्लस 36 हो जाएगा। टेकिंग अंडर द रूट, इसमें हमने अंडर द रूट लिया, इस पर भी लिया, ये और ये अंडर द रूट कट जाएंगे। सो के इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान है, इस तरह ही मेथड से किया जाता है। जी क्वेश्चन है, 12x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन, आपने क्वेश्चन दोबारा लिखना होगा, मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं, ए इज इक्वल टू 12, बी इज इक्वल टू, बी क्या होगा, के होगा, सी इज इक्वल टू, ये हमारे पास 3 होगा। ठीक है, क्या करेंगे, फॉर्मूले लिखेंगे, क्या है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, फुटिंग द वैल्यू इन फॉर्मूला, ठीक है, बी का स्क्वायर मतलब के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू और सी की वैल्यू, सी की वैल्यू हमारे पास 3 है, ए की वैल्यू हमारे पास 12 है। ठीक है, के का स्क्वायर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे आता है 144, इससे क्या आता है, इससे आता है 144। ठीक है, के का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे, माइनस ए प्लस 144 हो जाएगा। क्या करेंगे, अंडर द रूट लेंगे, के का स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू 144 का अंडर द रूट, ये टू और ये कट जाएगा, इक्वल टू प्लस माइनस 144 का अंडर द रूट क्या आता है, इसका आता है 12। ये हो गया, इस तरह करेंगे क्वेश्चन नंबर, इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 7k माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या करेंगे सॉल्व, आपने क्वेश्चन लिखना होगा, मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, सो ए
इज इक्वल टू ये वन होगा, बी इज इक्वल टू कामा माइनस टू के होगा, और जो कि सी इज इक्वल टू सी हमारे पास होगा सेवन के माइनस ट्वेल्व, ठीक है, सेवन के माइनस ट्वेल्व, मतलब ये ए, ये माइनस टू के बी, और ये हमारे पास सी होगा, ठीक है। क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फुट इन द वैल्यू फार्मूला, बी का स्क्वायर मतलब माइनस टू के, इसका स्क्वायर माइनस फोर ए की वैल्यू और सी की वैल्यू क्या है, सेवन के माइनस ट्वेल्व, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हमारे पास फार्मूला है। क्या करेंगे, मतलब माइनस टू के का हम स्क्वायर लेंगे तो इससे आएगा टू टू जार फोर आएगा और के का स्क्वायर आएगा, ठीक है, फोर इंटू के स्क्वायर, ठीक है, बस फोर है माइनस, इसको फोर वन जब फोर मल्टीप्लाई करेंगे और फोर को सेवन के साथ और फिर उसी फोर को मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेल्व के साथ, ठीक है, सो इससे आएगा फोर सेवन जब ट्वेंटी एट आता है और फोर ट्वेल्व जार फोर्टी एट आता है, फोर्टी एट इज इक्वल टू जीरो, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, फोर हम इसमें कॉमन लेंगे, के का स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है, माइनस सेवन रह जाएगा और ट्वेल्व रह जाएगा, डिवाइड करेंगे फोर पर, यह खत्म हो जाएगा, इस तरफ हमारे पास हो जाएगा एक्स के का स्क्वायर माइनस सेवन प्लस 12 is equal to 0, ठीक हो गया, ये इसके साथ k होगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सेवन, इसके साथ भी k है, ठीक है। अब इसका जो तरीका है वो है 12 1 12, मतलब इसका मतलब ये है कि हम इसको करेंगे सम एंड प्रोडक्ट से, तो इसका माइनस थ्री और माइनस फोर सम एंड प्रोडक्ट है के का स्क्वायर माइनस थ्री के माइनस फोर के प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो, इसमें हमने के कॉमन लिया, सो के माइनस थ्री और माइनस फोर लिया, सो के माइनस थ्री, ठीक है, एक रह गया के माइनस थ्री और एक है के माइनस फोर, ठीक है, इक्वल टू जीरो, सो ये एक हो जाएगा, के इज इक्वल टू प्लस थ्री माइनस, इस तरफ प्लस हो जाएगा और के इज इक्वल टू ये माइनस तरफ प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस फोर हो जाएगा, हमारे पास एक आंसर ये आया और एक आंसर ये आया। इस तरह क्वेश्चन नंबर, इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस के, मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है, इधर लास्ट क्वेश्चन करूँगा। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स सॉरी
प्लस के इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, सॉरी ठीक है, ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू माइनस फाइव एंड सी इज इक्वल टू के, बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है, फिर देखिए फार्मूला, बी का स्क्वायर माइनस फाइव का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए एंड सी, सी हमारे पास के है, ए हमारे पास वन है, ये ट्वेंटी फाइव आएगा, माइनस फोर वन जार फोर के आएगा, ठीक है, ट्वेंटी फाइव ये इस तरफ हो जाएगा, इज इक्वल टू फोर के हो जाएगा, डिवाइड करेंगे इसको भी फोर पर, इसको भी फोर पर, ये इसके साथ कट जाएगा, के इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव फोर फोर, इसका आंसर।